आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग वर्कशीट नंबर 6 के बारे में बात करने वाले हैं, जो जेनेरिक मैथ सब्जेक्ट की है। आज की डेट क्या है बच्चों? 22/7/2021, ठीक है। ये क्लास 6 की वर्कशीट है। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। बच्चों आपको एक बात बता दूँ, थैंक्स वीडियो 2 इस संडे को अपलोड होगी इस चैनल पर। यदि आपको उसमें आपका कमेंट शो करवाना है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में अपना नेम लिखकर जो भी सजेशन आप चैनल को देना चाहते हैं, अच्छा बुरा, आप दे सकते हो, ठीक है। अबोर्ड गेम, ठीक है। एक क्या है, बोर्ड गेम के बारे में यहाँ पर आपकी वर्कशीट में बात हुई है। स्टार्ट करना है आपको 1 से, ठीक है, और फिनिश करना है जाकर 100 पे। करना क्या है आपको, एक बोर्ड में जैसे ये बना हुआ है सेम टू सेम, ऐसे ही आपको क्या कर लेना है, बना लेना है, ठीक है। इसके रूल्स क्या होंगे मैं आपको समझा देता हूँ। इंट्रोडक्शन पहले क्या होगा, प्रिपेयर योर ओन गेम बाय राइटिंग नंबर 100 to 1 अ पीस ऑफ पेपर। किसी पीस ऑफ पेपर पर क्या कर लीजिए, जैसे यहाँ पर 1 से 100 तक नंबर लिखे हुए हैं, आपको दिखाए जा रहे हैं, उसी तरीके से आप नंबर लिखेंगे कॉलम्स बनाकर, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, उस पेपर को या चार्ट पर या किसी कार्डबोर्ड पर कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वी कैन प्ले द गेम विद आवर फ्रेंड और फैमिली, आपको अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ गेम प्ले करना है। प्ले दिस गेम वी शुड हैव 1 डाइस, अगर आपको ये गेम खेलना है आपके पास एक डाइस होना चाहिए और डिफरेंट कलर्ड कॉइन्स होने चाहिए डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। आपको क्या है, एक ऐसा डाइस होना चाहिए, एक डिफरेंट कलर ऑफ कॉइन्स होने चाहिए, यानी कि लूडो वाली आप गुट्टियाँ भी ले सकते हो और डाइस ले सकते हो, ठीक है, वही तो उससे भी काम हो जाएगा। सांप सीढ़ी की तरह है बच्चों, आप एक बात नॉर्मली ये समझ लीजिए, बस उसमें सांप नहीं है ना सीढ़ी है। तो उसमें आपको करना क्या है, रूल क्या होगा, एनी वन कैन स्टार्ट, कोई भी स्टार्ट कर सकता है। टू स्टार्ट दिस गेम यू नीड टू थ्रो द डाइस, आपको ज़रूरत है बस एक डाइस को फेंकने की। वॉट एवर द नंबर कम ऑन अ डाइस यू नीड टू स्पीक दैट द नंबर, पुट योर कॉइन ऑन द कार्डबोर्ड, आपको क्या करना है, जो भी नंबर आएगा उसको स्पीक करना है और उसको पुट करना है कार्डबोर्ड के उस नंबर पर, ठीक है। बाय गोइंग फॉरवर्ड एज पर एज द नंबर ऑफ डाइस, जैसे जैसे डाइस के नंबर आएंगे, ठीक है, उन नंबर्स के हिसाब से आपको उसको क्या करना है, आगे बढ़ाते रहना है। जैसे आपको पहले 300 हुआ फेस पे तो आपने 3 स्किप कर दिया, ठीक है। शुड रिपीट सेम वे, फिर उसके बाद वैसे ही आपको क्या करना है, रिपीट करना है। मान लो आपको क्या हुआ, आपने डाइस फेंका, पहले आया 3 तो आप 3 पे आ गए, फिर उसके बाद आया 4 तो 4 यहाँ से काउंट करिए, 1 2 3 4 तो 7 पे आ गए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्ले करना है। और नॉट द पर्सन विल फॉलो सेम प्रोसेस, जो पर्सन ये प्रोसेस फॉलो कर रहा है ईच थ्रो ऑफ डाइस, वन हु गेट 100 winner, ठीक है। और उसके बाद वो पर्सन जो पहले 100 को क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा विनर। वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा विनर, ठीक है। तो आपको ये गेम क्या करना है, अपने घर में सबके साथ खेलना है बच्चों, ठीक है। और आपकी वर्कशीट क्या होती है, ये वाली यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हमारे क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।